नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैसा हो ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम महिला एवं बाल विकास से संबंधित प्रशासकीय प्रतिवेदन पर चर्चा करेंगे। इस पर आपको बहुत सारे योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होगा और बहुत सारे नवीनतम डेटा के बारे में जानकारी प्राप्त होगा महिला एवं बाल विकास से संबंधित। तो अगर आप महिला पर्यवेक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो क्लास है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। पूरा वीडियो आप लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप घर बैठे महिला पर्यवेक्षक परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं और आपको चाहिए ऑनलाइन क्लास, तो आप निश्चिंत रहिए, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा। तो मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको दो पैकेज मिलेगा, एक तो आपको महिला पर्यवेक्षक का कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा, और अगर आप सिर्फ महिला एवं बाल विकास से संबंधित योजनाएँ और अधिनियम का क्लास लेना चाहते हैं तो ये सिर्फ आपको 1,050 रुपये मिल जाएगा। इस पर भी आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। वो डिस्काउंट कैसे मिलेगा मैं आपको आगे बताऊंगा। ये जो प्राइस दिख रहा है इसमें आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये जो कोर्स होगा इस पे आप मोबाइल एप्लीकेशन में डेमो अवेलेबल है, देख सकते हैं। अनलिमिटेड व्यूज है, जितने बार चाहे वीडियो और पीडीएफ को देख सकते हैं। पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलेगा इसमें, है ना, और 2400 घंटे आप इसको देख सकते हैं 24x7। और ये आपको एक्सेस मिलेगा, ऑफलाइन एक्सेस है, मतलब आप वीडियो को और पीडीएफ को दोनों को डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगर कोई डाउट हुआ तो एप्लीकेशन में चैट का भी सपोर्ट है, आप वहाँ पर चैट कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों को जो है डेटा से रिलेटेड डाउट रहेगा कि इसमें जो डेटा है वो चेंज हुआ है, तो क्लास जिसे रिकॉर्ड रहेगा तो उसमें कोई डेटा पुराना तो नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर कोई डेटा चेंज होता है तो हम अपने एप्लीकेशन में पुराने वीडियोज़ को डिलीट करके नए वीडियो जो है डाल देते हैं। इसके अलावा मैंने पूरा देखा हुआ है इसका जो सिलेबस है, इसमें मान के चलिए 99% चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं, क्योंकि जो है सिलेबस ऐसा है जो कि आपका चेंज नहीं होता। और कुछ कुछ चीज़ें जैसे चेंज हुई योजनाओं से रिलेटेड, जैसे आपका आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का अभी बजट में पेमेंट बढ़ाया गया, और जो आपका मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है उसका जो है जितना अमाउंट देते थे उसमें उसको बढ़ाया गया। तो ऐसे कुछ चीज़ों को मैंने ऑलरेडी बजट के क्लास में अपडेट कर दिया है, और आज का आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि और हमको एक दो क्या चीज़ें अपडेट करनी है। बाकी 99% चीज़ें सेम है। आप निश्चिंत होकर आप हमारा क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, और इन केस आगे कोई चेंजेस भी होती हैं तो वो चेंजेस भी हम आपको अवेलेबल करवा कर देंगे, क्योंकि एप्लीकेशन में ये सुविधा रहती है कि हम कोई भी वीडियो को कभी भी अपडेट कर सकते हैं। तो इस कोर्स में आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट कैसे मिल जाएगा, आपको ये कूपन कोड कोर्स में अप्लाई करना है। आपको क्या करना है, जो भी कोर्स आपको लेना है महिला पर्यवेक्षक का दोनों में से, आप उस कोर्स को ओपन करेंगे। ओपन करके जब एप्लीकेशन में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहीं पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा कूपन कोड महिला 10 के नाम से, इसको सिंपली क्लिक करके आपको अप्लाई करेंगे। जैसे आप अप्लाई करेंगे जो भी प्राइस रहेगा वो 10% लेस होकर आपको दिखेगा, उसके आप बाय नाउ करके पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे ये जो कूपन कोड है वो सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड लोगों के लिए है और लिमिटेड टाइम के लिए। तो अगर आपको इस कोर्स को बहुत ही कम प्राइस में लेना है और 10% का डिस्काउंट चाहिए तो जल्दी से जल्दी आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से ये कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको जो कोर्स ज्वाइन करने के लिए क्या चाहिए, आपको प्ले स्टोर में जाना है, जैसा ऑनलाइन क्लासेस टाइप करना है, आपको ये एप्लीकेशन दिखेगा, इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप अपने मोबाइल नंबर डाल के इसको ऑन कर सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप हमको इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 9399585891। इस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, अगर आप व्हाट्सएप नहीं चलाते हैं तो इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का क्लास। हम एनालिसिस करने वाले हैं प्रशासकीय प्रतिवेदन महिला एवं बाल विकास का, है ना, और ये जो है वर्ष लिखा हुआ 2022-23। इसके ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने इसको डाउनलोड किया है, और उसमें रिलीज डेट मतलब कौन से डेट में इसको अपलोड किया गया था बताया गया है आपको, 2/6/23 मतलब 2 जून 2023, मतलब एक महीने पहले इसको अपलोड किया गया है। तो जितने भी डेटा है ज़्यादातर लेटेस्ट डेटा इसमें आपको मिल जाएगा। कुछ डेटा मैंने चेक किया कि ये पुराने ही इसमें बताए गए हैं, तो वो चीज़ मैं आपको बता दूंगा कि क्या चीज़ और इसमें आपको अपडेट करने की ज़रूरत है। तो महिला एवं बाल विकास में अगर हम देखेंगे तो महिला एवं बाल विकास विभाग में जो मंत्री हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्री छत्तीसगढ़ की, यहाँ पे ये डेटा इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं, माननीय श्रीमती अनिला भेड़िया। अब ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर संसदीय सचिव ध्यान में रखना है, आपको सचिव ध्यान में रखना है तो आप चाहे तो एक बार पढ़ लीजिएगा। संसदीय सचिव हैं श्रीमती रश्मि आशीष सिंह और सचिव हैं श्री भुवनेश यादव, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, श्रीमती अनिला भेड़िया। आगे बढ़ते हैं।
इस पीडीएफ में क्या क्या जो है विषय वस्तु दिया गया कि हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो ये सारे चीज़ें जो आपके सिलेबस में भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका महिला एवं बाल विकास विभाग। महिला एवं बाल विकास विभाग क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी हम जानकारी लेंगे। तो छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाएँ एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, चाहे उनकी शिक्षा के लिए हो, चाहे उनके कामकाज के लिए हो, चाहे उसकी स्किल डेवलपमेंट के लिए हो, चाहे उनके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए हुए, सर्वांगीण विकास के लिए और महिला सशक्तिकरण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग का गठन किया गया है। राज्य में एकीकृत बाल विकास परियोजनाओं के सफल संचालन के लिए, महिलाओं और बच्चों से संबंधित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए और कार्यक्रमों के लिए संचालन के लिए, बहुत सारे कार्यक्रम जो महिला एवं बच्चों से संबंधित हुए, इन सब का काम करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग का गठन किया गया है। बेसिकली यहीं पे आपको ये चीज़ें लिखी हुई जो कि समझना है। इस विभाग का उद्देश्य क्या है, विभाग के प्रमुख उद्देश्य क्या है, यहाँ पे आप ध्यान देंगे। 6 वर्ष तक के बच्चों, मतलब 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के सर्वांगीण विकास, समेकित बाल विकास सेवा योजना का संचालन, ठीक है? तो ये एक योजना है, समेकित बाल विकास सेवा योजना, इसका संचालन, बच्चों एवं महिलाओं के कल्याण से संबंधित योजनाएं और उसका संचालन, बाल बालक बालिकाओं के अधिकारों का संरक्षण, महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं का सशक्तिकरण, ये सब जो है इस विभाग के उद्देश्य में शामिल है। इस विभाग के उद्देश्य क्या क्या है, प्रदेश की महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्वास्थ्य व पोषण की स्थिति में सुधार लाना, बच्चों के शारीरिक मानसिक एवं बौद्धिक विकास तथा स्वास्थ्य व पोषण की स्थिति में सुधार लाना, कुपोषण से बच्चों को दूर करना, एनीमिनिया से महिलाओं को बचाना, ये सब इसके उद्देश्य हैं। महिलाओं के संवैधानिक हितों की सुरक्षा करना, अगर किसी महिला को जैसे वो घरेलू हिंसा की शिकार हो रही है या फिर किसी पे अत्याचार हो रहा है, इन सब का देख रेख करना कि इन जैसे काम तो नहीं हो रहे हैं या फिर इन जैसे महिलाओं को कैसे बचाया जाए, महिलाओं को जागरूक करना, सक्षम बनाना, प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन में ये मुख्य भूमिका भी निभाती है। इसके अलावा बाल अधिकारों के संरक्षण का कार्य, ये सब कुछ जो है ये करता है, ये विभाग का दायित्व है। अब हम एक एक करके योजनाएं और कार्यक्रम के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ से जो क्लास है वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। यहाँ से जो मेन फैक्ट है जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है वो चीज़ आपको मैं बताऊंगा और ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। तो पहला है बच्चों के विकास से संबंधित योजनाएं या फिर कार्यक्रम। तो इसमें हम पहली योजना पढ़ेंगे, सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0। इसका पुराना नाम था ICDS, ठीक है? ICDS का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ठीक है? तो इसका जो नया नाम है वो है, वो क्या हो गया, पोषण 2.0, सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0, ठीक है? तो ये भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 1975 से समेकित बाल विकास सेवाएं, ये जो आपका ICDS है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, इसको हिंदी में हम कहते हैं समेकित बाल विकास सेवाएं। तो ये जो समेकित बाल विकास सेवाएं हैं, ये भारत सरकार के द्वारा 2 अक्टूबर, गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 1975 को आरंभ किया गया था और इसको आरंभ करके आंगनबाड़ी केंद्रों की शुरुआत की गई थी। यह केंद्र सहायक योजना है, मतलब ये जो है वो केंद्र सरकार की योजना है। योजना के अंतर्गत कौन कौन से उद्देश्य शामिल हैं वो हम पढ़ते हैं। बच्चों के उचित मानसिक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक तथा सामाजिक विकास की नींव डालना, 0 से 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों में पोषण व स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना, मातृ मृत्यु दर हो गया, चाहे शिशु मृत्यु दर हो गया, कुपोषण हो गया, आपका रुग्णता हो गया, और अगर कोई बच्चा जैसे बीच में स्कूल छोड़ रहा है तो उसके बारे में जानना कि ऐसी प्रवृत्ति क्यों हो रही है, तो ये सब जो है इसका उद्देश्य है। बाल विकास को बढ़ावा देने हो तो विभिन्न विभागों में नीति का निर्धारण करना, मतलब जितने भी विभाग हैं बाल विकास से संबंधित उनके नियम का निर्धारण करती है और बहुत सारी योजनाओं का संचालन करती है। उचित सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों में सामान्य स्वास्थ्य पोषण तथा विकास संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल के लिए माताओं की क्षमता को बढ़ाना, ठीक है? तो माताओं की क्षमता को अगर बढ़ाया जाएगा तो ही वो अपने बच्चों की उचित देखभाल कर पाएंगी। ये सारे उद्देश्य हैं इसके। अब यहाँ पे हम
इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हितग्राहियों को निम्नलिखित 6 सेवाएं प्रदान की जाती है, और ये जो 6 सेवाएं हैं वो अति महत्वपूर्ण है। पहले इन 6 सेवाओं को नाम आप याद रखेंगे। पहला है टीकाकरण, दूसरा है स्वास्थ्य जांच, तीसरा संदर्भ सेवाएं, इसमें जो जो सेवाएं हैं उसको हम पढ़ेंगे, और चौथा आपका पूरक पोषण आहार, पाँचवा है स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा, छठवा है शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा। तो पहला टीकाकरण, टीकाकरण में क्या किया जाता है, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं एवं 0 से 6 वर्ष आयु तक के जो बच्चे होते हैं उनका टीकाकरण किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद है स्वास्थ्य जांच, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, धात्री महिलाएं, मतलब जो ऐसी महिलाएं जिनके छोटे बच्चे होते हैं, जो महिलाएं दूध पिलाती हैं, ये ऐसी महिलाएं एवं 0 से 6 वर्ष तक के आयु के बच्चे, इनकी स्वास्थ्य की जाँच वगैरह की जाती है। संदर्भ सेवाएं में बहुत सारी सेवाएं हैं, जैसे कि 0 से 6 वर्ष तक की आयु के गंभीर कुपोषित बच्चे हैं या निःशक्त बच्चे हैं या फिर जोखिम वाले बच्चे हैं जिनको बहुत सारे अति कुपोषण के अगर वो शिकार हैं या फिर कुछ बीमारियां हो गई, बीमारी से ग्रसित बच्चे, खतरे के लक्षण वाले गर्भवती महिलाएं, शिशुवती माताएं, इन पर ध्यान दिया जाता है। पूरक पोषण आहार में गर्भवती महिलाएं, शिशुवती माताएं और 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को उचित आहार दिया जाता है। स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा में आपका 15 से 45 साल की महिलाएं हो गई, गर्भवती महिलाएं होगी एवं धात्री माताएं और किशोरी बालिकाएं, इनको जो है स्वास्थ्य एवं पोषण की शिक्षा दी जाती है ताकि वो उचित तरीके से अपना ख्याल रख सकें। फिर अगला है आपका शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा। शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा का मतलब होता है स्कूल में एडमिशन से पहले कुछ विशेष शिक्षा बच्चों को दी जानी चाहिए। जैसे स्कूल में एडमिशन कब होता है, पहली कक्षा में एडमिशन होता है 6 साल में, तो 6 साल से पहले 3 से 6 साल के बीच भी बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है उसको कहा जाता है अनौपचारिक शिक्षा। तो ये जो शिक्षा है वो दी जानी चाहिए, शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा। अब यहाँ पे अगला बताया गया आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या फिर सहायिका को जो दिए जा रहे मानदेय हैं और जो अन्य सुविधाएं हैं, तो यहाँ पे जो डेटा है इसमें डेटा में चेंजेस हुआ है बजट के हिसाब से। बजट जो हाल ही में अभी बजट जारी हुआ है उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के बजट इसमें तो पुराना डेटा दिया है लेकिन मैं आपको नया बता रहा हूँ। आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताओं का जो कुल मानदेय है बजट में बढ़कर 10,000 हो गया है। आंगनबाड़ी सहायिका के जो कुल मानदेय है वो 3,250 रुपये से बढ़कर 5,000 रुपये हुआ है, और मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के जो मानदेय है वो बजट में 4,500 से बढ़कर 7,500 हुआ है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का याद रखेंगे 10,000 रुपये, ठीक है, और आपका मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का जो है आप याद रखेंगे 7,500 रुपये। इसके अलावा इन लोगों को यूनिफॉर्म दिया जाता है, 2 यूनिफॉर्म दिया जाता है। अगर मृत्यु अगर ऐसे कुछ हो जाती है घटना तो मृत्यु उपरांत अनुग्रह 50,000 रुपये दिया जाता है। तो ये सब कुछ जो है एक्स्ट्रा आप चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं, जैसे कि सेवानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट होने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 50,000 रुपये, आंगनबाड़ी सहायिका को 25,000 रुपये, ये सारी चीज़ें दी जाती है। अब आगे हम देखते हैं इनसे संबंधित कुछ और जानकारियाँ। आगे देखते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को पर्यवेक्षक पद पर जो है परिश्रमी सीधी भर्ती के अवसर किस तरीके से दिए जाते हैं। 10 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पर्यवेक्षक के पद पर 50% पदों पर परिश्रमी सीधी भर्ती का औसत दिया जाता है, और आंगनबाड़ी सहायिका को 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर सहायिका हेतु 25% पद पर आरक्षित होता है। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को अगर वो 10 वर्ष पूर्ण करते हैं तो 50% का आरक्षण मिलता है, और आंगनबाड़ी सहायिका को 25 पद इनके लिए आरक्षित रखे जाते हैं। फिर अगला है जनसंख्या मापदंडों के अनुसार नवीनतम आंगनबाड़ी केंद्रों की स्वीकृति के मापदंड। यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कि आंगनबाड़ी कैसे बना जाता है, कितनी जनसंख्याओं पे बनता है। तो पहला आपका ग्रामीण या फिर शहरी जगहों पे आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना के मापदंड, तो ग्रामीण एवं शहरी परियोजनाओं में आंगनबाड़ी केंद्र कैसे स्थापित होता है, 400 से लेकर 800 जनसंख्या पर एक आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित होता है, और 150 से लेकर 400 जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किया जाता है। ये नॉर्मल ग्रामीण और शहरी जगह पर ये मापदंड है, ठीक है। आंगनबाड़ी के लिए मिनिमम 400, मैक्सिमम 800, और मिनी आंगनबाड़ी के लिए मिनिमम आपका 150, और इसका जो मिनिमम था इसका ये मैक्सिमम है।
अब आदिवासी क्षेत्र की हम बात करें, चाहे आदिवासी हो, पहाड़ी क्षेत्र हो या फिर दुर्गम क्षेत्र हो, तो यहाँ पर जो है एक आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करने के लिए जो मिनिमम यहाँ पे 400 था नॉर्मल में, उसके मिनिमम को कम करके 300 किया गया है। और उसी तरीके से मिनी आंगनबाड़ी केंद्र में जो है इसका जो मैक्सिमम था 400, इसके मैक्सिमम को कम करके 300 किया गया है। तो बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। आंगनबाड़ी मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन की स्थिति, ये नवंबर 2022 की स्थिति है। तो इसके हिसाब से संचालित जो है केंद्रों की संख्या और संचालित मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या यहाँ पे बताया गया है। तो ऐसे कुछ अपडेट जो हैं, देखिए कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो बजट में और इकोनॉमिक सर्वे में आपको अपडेट करना ही पड़ता है और वो चेंज हो जाता है। तो आपको क्या है, मैंने बजट के क्लासेस है और इकोनॉमिक सर्वे के क्लासेस है ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आप उसको लास्ट में एक बार जरूर देखिएगा। उस पर आपको हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएं जो हमसे छूट सकती हैं। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि सब कुछ मैं आपको वीडियो में बता दूँ, लेकिन इन केस छूट जाए तो अपडेट आप बजट और इकोनॉमिक सर्वे वीडियो देख के जरूर करेंगे, ठीक है। फिर अगला आपका सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0। अब ये जो योजना है इसके अंतर्गत क्या क्या काम होता है, पूरक पोषण आहार की व्यवस्था होती है। तो प्रदेश में सक्षम आंगनबाड़ी में पोषण 2.0 के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से दी जाने वाली 6 सेवाओं में से एक है पूरक पोषण आहार कार्यक्रम, और एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। तो चलिए हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पूरक पोषण आहार कार्यक्रम में 6 माह से 3 वर्ष तक के आयु के सामान्य एवं गंभीर कुपोषित बच्चों तथा गर्भवती वह शिशुवती माताओं के लिए पूरक पोषण आहार दिया जाता है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या दिए जाते हैं ये हम पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत टेक होम राशन के अंतर्गत इस श्रेणी के हितग्राहियों को, टेक होम मतलब घर में ले जाने के लिए, गेहूं आधारित रेडी टू ईट फूड का प्रदाय किया जाता है, जिसमें रागी व मूंगफली का समावेश किया जाता है। तो गेहूं आधारित रेडी टू ईट फूड का प्रदाय किया जाता है। 6 माह से 3 वर्ष आयु के सामान्य बच्चों को 150 ग्राम तथा 6 माह से 3 वर्ष के गंभीर कुपोषित बच्चों को 150 ग्राम रेडी टू ईट प्रतिदिन, लेकिन प्रतिदिन में सप्ताह में 6 दिन होता है इसमें, है ना, एक दिन छुट्टी मान के चलिए। तो प्रतिदिन मतलब सप्ताह में 6 दिन दिया जाता है। अब यहाँ पे आप क्या ध्यान देंगे, अगर 6 माह से 3 वर्ष आयु के सामान्य बच्चे हैं तो उनको 150 ग्राम, लेकिन अगर गंभीर कुपोषित बच्चे हैं तो उनको 125 ग्राम की जगह 200 ग्राम, ठीक है। ये नॉर्मल बच्चे हैं तो 125 ग्राम और गंभीर कुपोषित बच्चे हैं तो 200 ग्राम रेडी टू ईट प्रतिदिन प्रदाय किया जाता है। गर्भवती व शिशुवती महिलाओं को घर ले जाने हेतु प्रतिदिन 150 ग्राम, ठीक है। तो 6 माह से 3 वर्ष के सामान्य बच्चों को 125 ग्राम, शिशुवती गर्भवती महिलाओं को 150 ग्राम और गंभीर कुपोषित बच्चों को 200 ग्राम रेडी टू ईट प्रतिदिन दिया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के द्वारा ये रेडी टू फूड ईट है वो प्रदाय किया जाता है। पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के अंतर्गत सत्र 2022-23 में लगभग 23.43 लाख हितग्राहियां लाभान्वित हुए। अब ये डेटा इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं होता, इन सारे डेटा को भी आपको बजट और इकोनॉमिक्स रूम में अपडेट कर लेना है, ठीक है। फिर अगला है आपका 3 से 6 वर्ष आयु के सामान्य एवं गंभीर कुपोषित बच्चों का जो पोषण आहार होता है वो क्या होता है। तो आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले 3 से 6 वर्ष आयु के सामान्य मध्यम एवं गंभीर कुपोषित बच्चों को गर्म पके हुए भोजन, क्योंकि ये जो बच्चे हैं अब ये बच्चे खाना खा सकते हैं खुद से, तो इनको गर्म पके हुए भोजन मेन्यू अनुसार नाश्ता दिया जाता है। गर्म पके हुए भोजन में रोटी, चावल, मिक्स दाल सब्जी, गुड़, नाश्ते में रेडी टू ईट फूड जैसे हलवा, पोहा इत्यादि प्रदाय किया जाता है। गर्म भोजन के अतिरिक्त रेडी टू ईट 65 ग्राम प्रतिदिन मान से 6 दिवस के लिए दिया जाता है, और 390 ग्राम का पैकेट दिया जाता है 65 ग्राम प्रतिदिन के मान से 6 दिन के लिए, 390 ग्राम पैकेट दिया जाता है रेडी टू ईट। महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से ये नाश्ता, चावल, गर्म और जो पके हुए भोजन है इसको प्रदाय किया जाता है। अब हम सीधे आगे बढ़ते हैं। अगला जो योजना है मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, इस पर बात करते हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में व्याप्त कुपोषण एवं एनीमिया तथा 15 से 49 वर्ष आयु की महिलाओं में व्याप्त एनीमिया एक चुनौती है, और इस चुनौती को समाप्त करने के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण योजना को लाया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में NFSH 4 की रिपोर्ट सर्वे के अनुसार 5 वर्ष
से कम आयु वर्ग के लगभग 37.7% बच्चे कुपोषित थे और 15 से 49 वर्ष आयु के 47% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। अब इसका जो नया रिपोर्ट आया है इसमें ये 37 से कम होकर 31 हो गया और ये भी कम हुआ है, आगे हम उस चीज़ को देखेंगे। वर्तमान में योजना का प्रमुख उद्देश्य 6 वर्ष तक आयु के बच्चों में कुपोषण और एनीमिया और गर्भवती महिलाओं, जैसे कि आपका 15 से लेकर 49 आयु वर्ग की जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं उनमें आपका एनीमिया, ये सबको मुक्त करना है। तो इस योजनाओं का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है? सुपोषण से, आप कुपोषण याद रखना, मिलता जुलता नाम, सुपोषण से कुपोषण याद रख लेना। तो सुपोषण योजना कुपोषण और एनीमिया को दूर करने के लिए, कुपोषण और एनीमिया बच्चों में और माताओं में एनीमिया को दूर करने के लिए ये योजना लाया गया है। इस योजना के अंतर्गत देखते हैं, पोषण आहार के रूप में गर्म पका हुआ भोजन, अंडा, लड्डू, मूंगफली, दलिया आदि का प्रदाय किया जा रहा है। तो जो जो मेन हाईलाइटेड चीज़ें हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वही चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये पीडीएफ तो आप वैसे ऑनलाइन डाउनलोड कर भी सकते हैं और पढ़ने में आपको समय लगेगा, तो जो चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फटाफट वीडियो देख लेंगे तो आपके लिए वो चीज़ हेल्पफुल रहेगा। फिर अगला है आपका सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण अभियान 2.0। भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2018 में कुपोषण के स्तर में कमी लाने के लिए वृहद स्तर पर राज्य के सभी जिलों में पोषण अभियान का शुभारंभ किया गया है। तो कब शुरू किया गया? 2018 में शुरू किया गया। वर्तमान में दिनांक 1/8/22 को भारत सरकार द्वारा पोषण अभियान को नवीन स्वरूप देकर सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के रूप में लागू किया गया है। तो 1/8/2022 से इसको अपग्रेड करके नाम बदला गया है, सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0। इसके जो प्रमुख बिंदु है वो निम्न अनुसार है। तो आपका पोषण अभियान के जो बिंदु, उसको हम पढ़ेंगे। समुदाय आधारित गतिविधियों का आयोजन, इसमें क्या किया जाता है, प्रत्येक माह आंगनबाड़ी में एक विशिष्ट सामुदायिक गतिविधि का आयोजन किया जाता है और इस पर ग्रामवासियों को कुपोषण के संदर्भ में जागरूक करने के लिए पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी संदेश वगैरह ये सब कुछ दिए जाते हैं। तो क्या होता है, एक सामुदायिक गतिविधियों का आयोजन होता है जिसमें लोगों को जागरूक किया जाता है। उसी तरीके से जन आंदोलन का रूप देकर सामुदायिक सहभागिता को बढ़ाया जाता है और इसमें भी लोगों को पोषण आधारित और कुपोषण संबंधित जानकारी दी जाती है। फिर अगला है सूचना शिक्षा संचार। इस गतिविधि के अंतर्गत प्रिंट मीडिया, टेलीविज़न, रेडियो, सोशल मीडिया इत्यादि के माध्यम से बच्चों, किशोरी बालिकाओं, महिलाओं में कुपोषण एवं एनीमिया की कमी से संबंधित शिक्षा जो है वो दी जाती है। फिर अगला है पोषण माह एवं पोषण पखवाड़ा। पोषण माह एवं पोषण पखवाड़ा गतिविधि के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां जैसे कि एनीमिया कैंप हो गया, सुपोषण रथ के माध्यम से प्रचार करना, पंचायत और नगर निगम में बैठक करना, विभिन्न पोषण मेला लगाना, आयुष विभाग के साथ ऑनलाइन प्रशिक्षण देना, साइकिल से रैली निकालना, वृक्षारोपण और बहुत सारे ऐसे जागरूकता से संबंधित अभियान किए जाते हैं पोषण माह एवं पोषण पखवाड़ा के माध्यम से। तो ये सारे गतिविधियों का आयोजन किया जाता है पोषण पखवाड़ा में। फिर अगला है प्रोत्साहन राशि का प्रावधान। ये क्या चीज़ है? पोषण अभियान के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किए जाने पर प्रोत्साहन के रूप में प्रति माह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 500 रुपये तथा आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 250 रुपये प्रदान किया जाता है। अगर जो अभियान है उसका लक्ष्य जो है पूरा हो जाता है तो प्रोत्साहन राशि दी जाती है। फिर अगला है पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से डेटा का संप्रेषण। तो इसमें क्या किया जाता है, एक मोबाइल ऐप बनाया गया है। इस घटक के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, पर्यवेक्षकों को मोबाइल के माध्यम से आंगनबाड़ी की जो समस्त डेटा है उसको डेटा को इंसर्ट करने को बोला जाता है। भारत सरकार द्वारा पोषण ट्रैकर ऐप मोबाइल फोन आधारित एप्लीकेशन तैयार किया गया है। ऐप का क्या नाम है? पोषण ट्रैकर ऐप, जो आंगनबाड़ी केंद्र की रिपोर्टिंग को डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। मतलब आंगनबाड़ी से संबंधित जितने भी डेटा है उसको पोषण ट्रैकर ऐप में डाला जाता है ताकि डिजिटल रिकॉर्ड उसका रखा जा सके और टाइम पड़ने पर उसको देखा जा सके। अगला है विभिन्न विभागों के मध्य अभिसरण, मतलब एक तरीके से बैठक विभिन्न विभागों के मध्य, ताकि जो किशोरी बच्चे हैं, बालिकाएं हैं, गर्भवती धात्री महिलाएं हैं,
इनमें व्याप्त कुपोषण और एनीमिया की कमी को दूर लाने से संबंधित बातचीत वार्तालाप किया जा सके, उद्देश्य इसका यही है। फिर अगला आपका पोषण वाटिका। पोषण वाटिका उद्यानिकी आयुष एवं पंचायत विभाग के साथ अभिसरण करते हुए, मतलब इनके साथ मिलकर आंगनबाड़ी केंद्रों, शासकीय भवनों, गांव शहरों में उपयुक्त स्थानों या घरों की बाड़ियों, छतों में पोषण वाटिकाओं का निर्माण करना है। पोषण वाटिका उद्देश्य है ना, ये देखिए, ये एक तरीके से पोषण वाटिका में पोषक तत्व, ऐसे सब्जियां या फिर ऐसे फल फूल जो दे सकें, इस तरीके की चीज़ें लगाना है, पोषण वाटिका का उद्देश्य। फिर अगला है राज्य स्तरीय, जैसे बहुत सारे काम किया जाता है, जैसे इमेज में आप देखेंगे साइकिल रैलियां निकाली गई हैं, राज्य स्तरीय सुपोषण रथ का आयोजन किया गया, खिलौना मेला गतिविधि, तो सिर्फ इमेज में आप देख लीजिए, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, ये सब पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें ही होती हैं। इन सब में स्वास्थ्य जांच हो गया, शिशु संरक्षण और कृमि मुक्ति अभियान हो गया, तो ऐसे बहुत सारे अभियान चलाए जाते हैं इसके अंतर्गत, पोषण प्रदर्शनी एवं प्रतियोगिता हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, सीधे आते हैं मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना। तो मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना 2019 से प्रारंभ की गई थी। तो योजना में क्या क्या इम्पोर्टेंट होता है, योजना में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि वो कब चालू किया गया, उसका उद्देश्य क्या क्या है, और उससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट, जैसे अगर किसी को लाभ मिलता है तो कितना लाभ मिलता है, उसके पात्रता कौन कौन होते हैं, ये ज़्यादातर योजना में पूछा जाता है। तो योजना जो है वर्ष 2009 से चालू हुआ, ये आपको याद रखना है। योजना का उद्देश्य देख सकते हैं हम, कुपोषण की दर की कमी हेतु योजना का संचालन किया जा रहा है। योजना के तहत गंभीर कुपोषित एवं संकटग्रस्त बच्चों को चिकित्सीय परीक्षण की सुविधा, चिकित्सक द्वारा लिखी गई दवाएं, बाल रोग विशेषज्ञों की परामर्श सुविधाएं इत्यादि उपलब्ध कराई जाती है। इसके लिए क्या क्या काम किया जाता है, प्रत्येक विकास खंड में माह में 2 दिवस जो है संदर्भ दिवस के रूप में चिन्हांकित करने का प्रयास किया जाता है, मतलब प्रत्येक विकासखंड में 2 दिन ऐसा संदर्भ दिवस मनाया जाता है जिससे इससे संबंधित कार्य किया जा सके। बच्चों के संक्रमण की पहचान की जाती है। निजी चिकित्सा परीक्षण के लिए अधिकतम 300 रुपये की सीमा, स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की गई है, और एक हितग्राही को एक वर्ष भर में अधिकतम 500 रुपये तक की दवाएँ और आवश्यकता पड़ने पर परामर्श सुविधाएं वगैरह उपलब्ध कराई जाती है। और शिशु निजी शिशु रोग विशेषज्ञ की सेवा पर सम्मान स्वरूप 1,000 रुपये मानदेय एवं 500 रुपये यात्रा व्यय तक दिया जाता है, निजी शिशु रोग विशेषज्ञों को सेवा पर सम्मान के स्वरूप। अक्टूबर 2022 की स्थिति में कितने लोगों को लाभान्वित किया गया, ये चाहे तो आप देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम, अगला योजना है आपका छत्तीसगढ़ राज्य में कुपोषण की स्थिति एवं रोकथाम के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, ये सब हम देखेंगे। तो समय समय पर अनेक प्रयास किए गए हैं, जैसे कि आपका एकीकृत बाल विकास सेवा आया था, पोषण अभियान, वजन त्यौहार, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, ये सब कुछ जो है कुपोषण को दूर करने के लिए जो है किया जा रहा है। तो राज्य स्तरों में सर्वेक्षण के अलावा वजन त्यौहार के माध्यम से राज्य के सभी 5 वर्ष तक के आयु के बच्चों का वजन लिया जाता है। अब वजन लेकर ऑनलाइन यहाँ पे देखिए मशीन से बच्चों का वजन लिया जा रहा है, और वजन 5 वर्ष तक के बच्चों का लिया जाता है। फिर एक डेटा तैयार किया जाता है और जो कुपोषित बच्चे हैं उन पर ध्यान दिया जाता है। तो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से पोषण स्तर का आकलन किया जाता है। प्रदेश के 5 वर्ष तक आयु के बच्चों में व्याप्त कुपोषण मुक्ति अभियान के फलस्वरूप कुपोषण के स्तर में लगातार कमी आ रही है। तो वजन त्यौहार, कुपोषण मुक्ति अभियान, बहुत सारे जो हैं इसके कारण प्रदेश में कुपोषण में अब गिरावट आ रही है। अब कुछ आंकड़े हम देखते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार विभाग द्वारा किए गए सतत प्रयासों के फलस्वरूप कुपोषण की दर में उल्लेखनीय कमी आई है। जैसे कि हम राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 की बात करें जो 2015-16 में हुआ था, तो इसके अनुसार छत्तीसगढ़ की कुपोषण दर थी 37.7%। अब ये कम होकर कितना हो गया है, अब ये घटकर राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 जो 2020-21 में हुआ है, इसके अनुसार ये घटकर 31.1% रह गई है। तो ये जो डेटा है वो आपको याद रखना है, छत्तीसगढ़ में जो कुपोषण का जो दर है अब 31.3% है राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण के जो रिपोर्ट 5 के अनुसार। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो 4 की तुलना में जो अभी 5 वाला रिपोर्ट है इसमें कुपोषण की दर में 6.4% की कमी देखी गई है। फिर अगला है आपका वजन त्यौहार। विभाग द्वारा आयोजित वजन त्यौहार जो है ये भी कुपोषण की दर को कम करने में बहुत योगदान निभा रहा है। वजन त्यौहार के अनुसार कुपोषण की दर 2012-13 में
40.05% थी वो घटकर 2022-23 में 17.76% रह गया है। तो वजन त्यौहार के अनुसार कुपोषण जो प्रतिशत है वो 17.76% है। तो वजन त्यौहार का अलग अलग डेटा दिया गया है जब से चालू हुआ, जैसे कि 2012-13 से लेकर 13-14, तो आपको याद रखना है लेटेस्ट 2022-23 के अनुसार कुपोषण का प्रतिशत है 17.76%। वर्तमान में NFHS 5 में कुपोषण का जो राष्ट्रीय औसत है वो 32.1 है, जबकि छत्तीसगढ़ का औसत हमने देखा छत्तीसगढ़ में कुपोषण का प्रतिशत 31.1। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि राष्ट्रीय से भी कम है छत्तीसगढ़ का जो कुपोषण का स्तर है ना, वर्तमान में छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय औसत से भी ऊपर आ गया है छत्तीसगढ़। फिर अगला है आपका किशोरी बालिकाओं के लिए योजना। किशोरी बालिकाओं के लिए योजना का संचालन राज्य के सभी जिलों में, अब देखिए जिलों की संख्या जो है बढ़ गई है, तो अभी आज तक भी अगर बहुत सारे आप डेटा देखेंगे आपका गवर्नमेंट का जो PDF है ये हाल ही में जारी हुआ, तो वहाँ पे 27 से लिखा गया है, क्योंकि जो बाकी के नए जिले हैं वहाँ पर क्रियान्वित किए जा रहे हैं, तो या तो आप इसको 27 को इग्नोर करके राज्य के सभी जिले ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो योजना के अंतर्गत 11 से 14 वर्ष आयु तक की साला बाह किशोरी बालिकाओं, मतलब जो शाला त्यागी बालिकाएं वगैरह हैं उनके लिए ये है। योजना के अंतर्गत प्रदाय की जाने वाली सेवाएं क्या क्या हैं वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे हेल्थ चेकअप एवं रिफरल सर्विस दिया जाता है सभी हितग्राही बालिकाओं को माह में कम से कम एक बार। सामान्य स्वास्थ्य जाँच किशोरी दिवस के दिन किया जाएगा। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन ये किया जाता है आंगनबाड़ी केंद्र में, पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक जानकारी दी जाती है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन के माध्यम से। फिर साला त्यागी बालिकाओं का शिक्षा की मुख्य धारा में प्रवेश करने के लिए प्रयास किया जाता है। लाइफ स्किल एजुकेशन मतलब कौशल का विकास किया जाता है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके, अपना कार्य स्वयं कर सकें। सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच के लिए जैसे कि बैंक हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, स्कूल हो गया, पंचायती राज संस्थाएं हो गया, थाना हो गया इत्यादि के लिए भ्रमण से संबंधित चर्चा किया जाता है। गृह प्रबंधन में क्या है, गृह प्रबंधन के आवश्यक घटक जैसे कि बजटिंग, बजट, घर चलाना, जेंडर संवेदनीकरण और बच्चों की शिक्षा इत्यादि का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। अब हम सीधे आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे महिलाओं एवं बालिकाओं के सशक्तिकरण हेतु संचालित योजनाएं, कार्यक्रम, अधिनियम, आयोग या फिर बोर्ड। तो सबसे पहले हम देख लेंगे मिशन शक्ति। भारत शासन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा एवं बचाव हेतु पूर्व में संचालित योजनाओं के संशोधन करते हुए नवीन घटक शामिल करते हुए महिला कल्याण से संबंधित कार्यक्रम को संकलित करते हुए 1 अप्रैल 2022 से एक अम्ब्रेला योजना मिशन शक्ति का आरंभ किया। ये कहना ये चाह रहा है कि 1 अप्रैल 2022 से पहले महिला एवं बाल विकास से संबंधित जितने भी सारी योजनाएं चल रहे थे उस सबको मिलाकर एक अम्ब्रेला योजना बनाया गया जिसका नाम रखा गया मिशन शक्ति। कब से? 1 अप्रैल 2022। तो ये डेट आपको याद रखना है। मिशन शक्ति की दो उप योजनाएँ हैं, एक है आपका संबल और एक है आपका सामर्थ्य। तो संबल उप योजना में महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु सखी वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तथा सामर्थ्य वाला जो उप योजना है इसमें महिलाओं की सशक्तिकरण, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, हब महिलाओं का सशक्तिकरण, शक्ति सदन, सखी सदन इत्यादि शामिल है। तो आपको हम एक एक चीज़ पढ़ाएंगे, ठीक है? इसमें एक एक चीज़ों के बारे में बताया गया है, जितना भी हमने पढ़ा जैसे सखी वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये सब कुछ के बारे में जानकारी दिया गया है। शुरू से देखते हैं मिशन शक्ति सामर्थ्य में प्रधानमंत्री पहला मातृवंदना योजना। तो प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना जो है 1/1/2017 से, 1 जनवरी 2017 से ये लागू की गई। तो डेट आपको मैं हमेशा बोल रहा हूँ, डेट आपको ध्यान रखना है। प्रथम जीवित संतान हेतु योजना का लाभ दिया जाता है। तो लाभार्थी कौन होते हैं इस योजना के लिए? ऐसे गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान करने वाली माताओं को छोड़कर जो केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या सार्वजनिक उपकरणों के साथ मिलकर नियमित रोजगार है, मतलब जो सरकारी कर्मचारी वगैरह हैं या फिर कोई भी अन्य सरकारी सेवाओं के लाभ के जो व्यक्ति हैं उनको ये नहीं मिलेगा, उसके अलावा बाकी को ये लाभ मिलेगा। योजना के अंतर्गत क्या लाभ है? योजना अंतर्गत महिलाओं को प्रथम जीवित संतान के लिए 3 किस्तों में 5,000 रुपये की राशि भुगतान किए जाने का
प्रावधान है। भारत सरकार द्वारा जारी मिशन शक्ति मार्गदर्शिका के अनुसार इस वित्तीय वर्ष 2022-23 से इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को प्रथम संतान की जन्म पर दो किस्तों में राशि 5,000 रुपये एवं द्वितीय संतान पर बालिका के जन्म पर एकमुश्त 6,000 रुपये की देय होगी। तो इसमें अपडेट भी किया गया है, ठीक है। पहले 3 किस्तों में 5,000 मिलता था, अब 2022-23 से योजना के अंतर्गत 2 किस्तों में 5,000 रुपये प्रथम संतान के लिए और दूसरे संतान अगर बालिका है तो इसके जन्म के लिए 6,000 रुपये की देय होगी इस योजना के अंतर्गत। अब अगला योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। भारत शासन द्वारा देश के 100 चयनित जिलों में इसे चालू किया गया था। 22 जनवरी 2015 से ये लागू है और छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से इसे वर्ष 2015 में तथा बीजापुर जिले से वर्ष 2018 में इसका जो है संचालन किया गया था। तो जब छत्तीसगढ़ के सॉरी जब भारत के 100 जिलों में इसे चालू किया गया था 2015 में, उस समय रायगढ़ जिले का चयन किया गया, फिर बाद में छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले का भी चयन हुआ 2018 में। उस समय प्रति जिला 50 लाख रुपए का प्रावधान रखा गया था। अब हम आगे देखते हैं इसका अपडेट। वर्ष 2022-23 से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को प्रत्येक जिले में लागू किया जाना है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में जो स्त्री और पुरुष का अनुपात है वो 1000 पे 991 है, ठीक है। 1000 पुरुष पे 991 स्त्री 2011 की जनगणना के अनुसार, जबकि 2001 की जनगणना के अनुसार ये 989 था 1000 पुरुषों पर, मतलब ये थोड़ा सा बढ़ा था, है ना। मतलब 2001 में 989 था, फिर ये थोड़ा सा बढ़ के 991 हुआ था 2011 में। दूसरी ओर 2011 की जनगणना के अनुसार बाल स्त्री पुरुष अनुपात जो 0 से 6 वर्ष की आयु की बच्चियां होती हैं उनके हिसाब से अगर अनुपात देखें तो 1000 पर 969 है और 2001 में ये ज़्यादा था। यहाँ पर आप देखेंगे तो 2001 में ये 975 था। तो यहाँ पर स्पष्ट ये होता है कि एक ओर जहाँ स्त्री राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर बालिकाओं के लिंगानुपात में कमी भी आई है। तो इन सबको देखते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को शुरू किया गया। तो कंक्लूजन क्या है इसमें, बस ये याद रखेंगे कि देश के 100 जिलों से शुरू किया गया था, 22 जनवरी 2015 से शुरू किया गया था। उस समय रायगढ़ के छत्तीसगढ़ के रायगढ़ को सेलेक्ट किया गया था, फिर 2018 में बीजापुर को सेलेक्ट किया गया। और इसका उद्देश्य क्या है, जन्म के समय लिंग चयन तथा विभेद को समाप्त करना, बालिकाओं के उत्तर जीविका व उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना, बालिकाओं की शिक्षा को सुनिश्चित करना। तो शिक्षा, लिंग विभेद, ये सब में ध्यान देना। योजना के क्या क्या लक्ष्य हैं, बालिका लिंगानुपात में कमी करना, बालिकाओं के पोषण स्तर में सुधार लाना, IDCS कार्यक्रम में सर्वव्यापीकरण मतलब इसको ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करना, उच्चतर माध्यमिक स्तर तक अधिक से अधिक बालिकाओं का पंजीकरण सुनिश्चित करना, सभी शालाओं में 100% शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित करना, बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा इस हेतु लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का प्रभावी क्रियान्वयन, है ना। तो इसमें जो भी बातें कही गई हैं उसका प्रभावी रूप से क्रियान्वयन, जनप्रतिनिधियों को प्रेरित करना ताकि बालिकाओं को वो लोग समझा सके। भारत सरकार द्वारा जारी मिशन शक्ति की मार्गदर्शिका के अनुसार अब यह योजना प्रदेश के समस्त जिलों में लागू होगी। प्रत्येक जिले हेतु मापदंड की जो व्यय सीमा होगी वो 20 से 30 लाख वार्षिक निर्धारित की गई है। फिर मिशन शक्ति सामर्थ्य में अगला है हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। अब ये क्या चीज़ है, वर्ष 2022-23 से लागू इस मिशन शक्ति के सामर्थ्य घटक के अंतर्गत राज्य स्त्री महिला सशक्तिकरण केंद्र मतलब स्टेट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एवं जिला स्त्री महिला सशक्तिकरण केंद्र डिस्ट्रिक्ट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन ये स्थापित किया गया है। इसके माध्यम से महिलाओं से संबंधित संचालित योजनाओं की समीक्षा की जाती है और मिशन के कार्यों में सहयोग किया जाता है। तो ये क्या है, ये स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक एम्पावरमेंट वुमेन सेंटर स्थापित किया गया है जहाँ पे महिलाओं के योजनाओं से संबंधित जो योजना है उसका समीक्षा किया जाता है और उस पर सहयोग किया जाता है। फिर अगला है मिशन शक्ति संबल सखी वन स्टॉप सेंटर, है ना। आप संबल में हम देखेंगे सखी वन स्टॉप सेंटर क्या है, महिलाओं के विरुद्ध अगर कोई हिंसा होती है तो इस हिंसा को समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 1993 में अंतर्राष्ट्रीय समझौता पत्र तैयार करके सीडा बनाया गया था। सीडा का फुल फॉर्म होता है द कन्वेंशन
ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, ये सीडा का फुल फॉर्म है। तो इसके नाम से जाना जाता था 1993 में, किसके नाम से, सीडा लाया गया था। ये महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा और जो भी अपराध होता है उसके लिए लाया गया था। इसके बाद भी घरेलू हिंसा और बहुत सारे जो दहेज उत्पीड़न जैसे चीज़ हो गया है ना, लैंगिक हिंसा हो गया, तो ये सब जो है समाज में विद्यमान है। तो उपरोक्त बात को ध्यान में रखते हुए भारत शासन महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा राज्य सरकार की सहायता से प्रदेश मुख्यालय रायपुर में भारत का प्रथम वन स्टॉप सेंटर जुलाई 2015 में प्रारंभ किया गया। तो ये जो वन स्टॉप सेंटर है वो भारत का प्रथम वन स्टॉप सेंटर है जो कि रायपुर में है, और इसे जुलाई 2015 को प्रारंभ किया गया था। वन स्टॉप सेंटर में सभी वर्ग के, सभी धर्म के, सभी संप्रदाय के, विवाहित हो या अविवाहित हो या फिर विधवा हो या फिर परित्यक्तता हो, सब महिलाओं को यहाँ पर सेवा मिलेगा। और बालिकाएं अगर हैं तो 18 वर्ष से कम उम्र की बालिकाएं भी इसमें सम्मिलित हैं। इनको सलाह, सहायता, मार्गदर्शन, संरक्षण इत्यादि प्रदान किया जाता है। सखी केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? घर के भीतर अथवा घर के बाहर अथवा किसी भी रूप में पीड़ित व संकटग्रस्त महिला को एक ही छत के नीचे एकीकृत रूप से सभी प्रकार की सुविधा और सहायता उपलब्ध कराना। मतलब इस सेंटर में जितनी भी सुविधा हो सके उसको एक ही जगह उपलब्ध कराना मुख्य उद्देश्य है। सभी प्रकार की आपातकालीन सुविधा एक ही छत के नीचे तत्काल उपलब्ध कराना, जिसमें अस्थायी आश्रय हो गया, चिकित्सा हो गया, विधिक सहायता मतलब कानूनी सहायता हो गया, मनोवैज्ञानिक सलाह मतलब उनको सही तरीके से सलाह देना, समझाना, मानसिक चिकित्सा परामर्श इत्यादि सुविधा देना, तो ये सब कुछ जो है सम्मिलित हैं। सखी वन स्टॉप सेंटर में क्या क्या जो सेवाएं हैं उपलब्ध वो हम देख लेंगे। तो पहला है आपातकालीन सहायता एवं बचाव। इसके लिए क्या किया जाता है, वन स्टॉप सेंटर द्वारा हिंसा पीड़ित संकटग्रस्त महिला को 181 अथवा 112, ये सब आपातकालीन नंबर है महिलाओं के लिए है ना, 181 112 टोल फ्री नंबर है, इस पे डायरेक्ट कॉल करके आवश्यकता अनुसार निकटस्थ चिकित्सालय अथवा आश्रय गृह में भिजवाया जाता है। फिर अगला सेवा है चिकित्सीय सहायता। हिंसा से पीड़ित महिलाओं को निकट चिकित्सालय में भेजकर उसकी चिकित्सीय जांच तुरंत कराई जाती है। फिर अगला है महिला को FIR दर्ज इत्यादि कराने में जो है सहायता कराया जाता है। फिर अगला है आपका मनोवैज्ञानिक सामाजिक परामर्श व सलाह वगैरह दिया जाता है। फिर विधिक सहायता है ना, मतलब कानूनी सहायता दिया जाता है। हिंसा से पीड़ित महिला अथवा विधिक सहायता की ज़रूरतमंद महिला को सलाह, प्रकरण को दायर करने में मदद इत्यादि करा जाता है। फिर अगला है आपातकालीन आश्रय सुविधा। वन स्टॉप सेंटर में 5 बेड की व्यवस्था है। पीड़ित महिला को अधिकतम 5 दिवस तक अस्थायी आश्रय दिया जाता है। अगर कोई पीड़ित महिला है तो उसको तत्काल आश्रय की सुविधा दी जाएगी, और तत्काल आश्रय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई भी की जाती है। सखी वन स्टॉप का संचालन हम देखेंगे। प्रदेश के 4 जिलों में क्रमशः रायपुर हो गया, सरगुजा, बस्तर और दुर्ग में सखी वन स्टॉप सेंटर स्वयं के भवन में संचालित है। इसके अलावा 5 जिलों में सखी वन स्टॉप सेंटर जो है स्वयं के भवन निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। प्रदेश में संचालित 27 सखी केंद्रों में अब कितने प्रकरण दर्जित हुए हैं ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे, बस ये आपको पता चल जाएगा कि प्रदेश में 27 सखी प्रकरण केंद्र संचालित हैं, बाकी नए जिलों में निर्माणाधीन है। फिर अगला है महिला हेल्पलाइन नंबर, इसमें आपको टोल फ्री नंबर याद रखना 181। महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा घटना इत्यादि के मामलों में त्वरित सहायता के लिए, तुरंत सहायता करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिला हेल्पलाइन नंबर 181 का संचालन वर्ष 2016 से किया जा रहा है। तो ये जो महिला हेल्पलाइन नंबर है 2016 से प्रारंभ किया गया है, और स्पेशली छत्तीसगढ़ शासन ने इसको स्टार्ट किया है। इसका जो टोल फ्री नंबर है वो है 181। घर के भीतर अथवा घर के बाहर अथवा किसी भी पीड़ित व संकटग्रस्त महिला को त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया है। टोल फ्री नंबर 181 को किसी भी सेवा प्रदाता कंपनी के द्वारा, लैंडलाइन के द्वारा, मोबाइल नंबर से डायल किया जा सकता है, और ये निःशुल्क सेवा है।
अगर कॉल किया जाएगा इस नंबर पे तो पैसा भी नहीं कटेगा, पूरी तरीके से निःशुल्क है। फिर अगला है आपका नोनी सुरक्षा योजना। नोनी सुरक्षा योजना राज्य में घटते बाल लिंगानुपात तथा बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच को बढ़ाने के उद्देश्य से लाया गया। कब लाया गया? 1 अप्रैल 2014, याद रखेंगे डेट, 1 अप्रैल 2014 से नोनी सुरक्षा योजना संचालित है राज्य में। इस योजना के संचालन हेतु जीवन बीमा निगम व विभाग के मध्य जो है अनुबंध है, MOU है। इसका उद्देश्य देख लेते हैं हम। प्रदेश में बालिकाओं की शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना, बालिका भ्रूण हत्या रोकना, बालिकाओं के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच लाना, बाल विवाह की रोकथाम करना, छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले जो परिवार हैं उनके 1 अप्रैल 2014 के उपरांत जन्मी बच्ची अधिकतम 2 बालिका इस योजना के अंतर्गत लाभ के पात्र हैं। ठीक है, तो राज्य के मूल निवासी के महिलाएं होनी चाहिए और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाएं होनी चाहिए और उनके जो बच्चे हैं जिनको लाभ मिलेगा वो 1 अप्रैल 2014 के बाद जन्मी होनी चाहिए। योजना के अंतर्गत पंजीकृत बालिका का 18 वर्ष तक विवाह न होने पर और कक्षा 12वीं तक की शिक्षा पूर्ण होने पर वित्तीय संस्था के द्वारा न्यूनतम 1 लाख रुपए परिपक्वता राशि दी जाती है। जो भी योजना के अंतर्गत पात्र महिलाएं होंगी उनको उनके बच्चे अगर वो 18 वर्ष से पहले शादी नहीं करेंगे, अगर वो 12वीं तक की शिक्षा ग्रहण कर लेंगे तब 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। पात्र पंजीकृत बालिका के नाम पर भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा 5 वर्ष तक 5,000 रुपये अर्थात 25,000 रुपये विनियोजित भी किए जा रहे हैं। फिर अगला है आपका मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना क्या है इसके बारे में देखते हैं। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को कन्या के विवाह के संदर्भ में आर्थिक कठिनाइयाँ जो होती हैं और विवाह के अवसर पर जो फिजूल खर्ची होती है उन सबको रोकना, सादगीपूर्ण विवाह हो इसको बढ़ावा देना, सामूहिक विवाह हो इसको बढ़ावा देना और गरीब परिवार का जो विवाह से संबंधित कठिनाई होती है इन सबको दूर करने के लिए ये योजना मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना लाया गया। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत जो लाभ मिलता है वो 25,000 रुपये मिलता है एक कन्या के, लेकिन इस वर्ष के बजट में इसको बढ़ाकर 50,000 किया गया है, तो इसको आप याद रखेंगे। यहाँ पे नहीं बताया गया अपडेट, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, योजना अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार, मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना अंतर्गत कार्डधारी परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की अधिकतम 2 कन्याएं है ना, जो भी परिवार हैं उनके अधिकतम 2 कन्याओं को ही लाभ मिलता है। तो लो इस प्रकार जो योजना के अंतर्गत जो है प्रत्येक कन्या को अधिकतम जो 25,000 रुपये मिलता था, अब इसको याद रखेंगे आप 50,000 याद रखेंगे है ना, 25 की जगह 50 याद रखेंगे, अब 50,000 रुपये मिलेगा। तो प्रत्येक एक कन्या के विवाह के लिए 50,000 रुपये और अधिकतम 2 कन्या के लिए मिलेगा। फिर अगला आपका कौशल्या मातृत्व सहायता योजना। दिनांक 7 मार्च 2022 से ये स्टार्ट है। पात्र महिला हितग्राहियों को द्वितीय संतान बालिका के जन्म पर सहायता दी जाती है कौशल्य मातृत्व सहायता योजना के अंतर्गत। इसका उद्देश्य बालिका भ्रूण हत्या रोकना, बालिकाओं के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना, ये सब कुछ है। योजना के क्या क्या लाभ हैं? दिनांक 1/1/22 के उपरांत जन्म लेने वाली द्वितीय संतान बालिका हेतु 5,000 रुपये एकमुश्त सहायता राशि प्रदान किए जाने का प्रावधान है। अगर दूसरा संतान बालिका है तो इस योजना के अंतर्गत 5,000 रुपये की एकमुश्त राशि प्रदान की जाती है। फिर अगला है आपका महिला जागृति शिविर। ये क्या चीज़ है? महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों, उनके प्रावधानों, ये सब के प्रति जागरूक करने के लिए जागृति शिविर जो है आयोजित किया जाता है। प्रदेश की ग्राम पंचायत, जनपद एवं जिला स्तर पर समय समय पर महिला जागृति शिविरों का आयोजन किया जाता है। आगे देखते हैं, अगला है दिशा दर्शन भ्रमण कार्यक्रम। महिला स्व सहायता समूहों के सुदृढ़ीकरण, उनकी क्षमता के विकास के लिए दिशा दर्शन कार्यक्रम संचालित किया जाता है। इसके अंतर्गत बहुत सारे जगहों का भ्रमण कराया जाता है, उनको मोटिवेट वर्क किया जाता है ताकि इनके जो आजीविका से संबंधित गतिविधियां हैं उनको वो अच्छे से समझ सके और उनकी गतिविधियों को आगे बढ़ा सके। फिर अगला है नवा विहान योजना। घरेलू हिंसा
से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन के लिए, ये जो अधिनियम है इसको चलाने के लिए ये इस नया अभियान योजना जो है प्रदेश के सभी जिलों में संचालित है, सभी 27 जिलों में, और नवगठित जिलों पर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। योजना के अंतर्गत पीड़ित महिला को आवश्यकता अनुसार विधिक सलाह, मतलब कानूनी सलाह, परामर्श, चिकित्सीय सुविधा, परिवहन तथा आश्रय सुविधा इत्यादि उपलब्ध कराने का प्रावधान रखा गया है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट अगला योजना सुचिता योजना, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे, है ना। बालिकाओं के मासिक धर्म जो पीरियड्स वगैरह है उसके दौरान स्वच्छता संबंधी आदतों के विकास, निर्बाध शिक्षा और ये सब सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये संचालित किया जा रहा है। इसका शुभारंभ 24 जनवरी 2017 को किया गया था राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर। इसका शुभारंभ, याद रखेंगे डेट, 24 जनवरी 2017 को स्पेशल दिन था राष्ट्रीय बालिका दिवस, इसके अवसर पर सुचिता योजना चालू की गई। और सुचिता योजना किससे संबंधित है, सैनिटरी नैपकिन से संबंधित है, ये आप याद रखना। शाला एवं महाविद्यालय मतलब स्कूल और कॉलेज में अध्ययनरत बालिकाओं को लक्षित किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक शाला या फिर महाविद्यालय में एक नग सैनिटरी वेंडिंग मशीन, ऐसा मशीन जिससे सैनिटरी नैपकिन निकलता है ना, एक भस्मक मशीन जिससे सैनिटरी नैपकिन को भस्म किया जा सके, और 10,000 सैनिटरी पैड प्रदाय किए जाने का प्रावधान है। तो सुचिता योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, याद रखेंगे इसको। ये इस तरीके से होता है मशीन, यहाँ पे आप देख रहे हैं। फिर अगला आपका छत्तीसगढ़ महिला कोष की योजनाएं, छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना आप देखते हैं। छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा महिला स्व सहायता समूहों को आसान शर्तों में ऋण उपलब्ध कराने के लिए, अब इस योजना में ऋण ऋण शब्द है तो ये ऋण देने के लिए हो गई योजना, तो आसान है इसका उद्देश्य, याद रखना। महिला स्व सहायता समूह को आसान शर्तों में, ठीक है। आजकल क्या है, लोन लेना ऋण लेना आसान नहीं है, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, तो इन सब को सॉल्व करने के लिए, आसान शर्तों में ऋण उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ महिला कोष की ऋण योजना 15 अगस्त 2003 से संचालित है। स्व सहायता समूहों को 1 से 2 लाख रुपए तक का ऋण इसमें पहली बार दिया जाता है, और अगर पहली बार का ऋण समय पर सफलतापूर्वक वापस कर दिया जाता है तो 2 लाख से 4 लाख तक रुपए का ऋण द्वितीय बार में प्रदान किया जाता है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जो ऋण दिया जाता है वो कितने परसेंट ब्याज पर दिया जाता है, तो महिला स्व सहायता समूह को मात्र 3% के साधारण ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है, और प्रथम से द्वितीय बार जो ऋण दिया जाता है उसका जो टाइम पीरियड रहता है वसूली का वो 24 से 36 माह, मतलब आपका 2 साल से 3 साल तक का जो है मासिक किस्तों में वो वसूला जा सकता है। जौन उत्पीड़न एवं HIV पीड़ित महिलाओं को भी इस योजना में शामिल किया गया है ताकि वे अपने आर्थिक गतिविधियां बढ़ा सकें और आर्थिक गतिविधियों के कामों में जुड़ सकें। छत्तीसगढ़ महिला कोष के माध्यम से इन जैसे लोगों को जो यौन उत्पीड़न एवं HIV से पीड़ित महिलाएं हैं इनको कलेक्टर के प्रस्ताव के उपरांत 10,000 रुपये की राशि दी जाती है। इसके साथ साथ व्यक्तिगत ऋण 3% के साधारण ब्याज पर उपलब्ध कराए जाने के प्रावधान है। इनको भी महिलाओं द्वारा स्व सहायता समूह का गठन किए जाने पर समूह को 1 लाख रुपए की ऋण राशि और 3% का साधारण ब्याज की दर से इनको भी स्वीकृति की जा सकती है। जैसे कि यौन उत्पीड़न और HIV से पीड़ित महिलाएं हैं, अगर वे स्व सहायता समूह का गठन करती हैं तो इनको 1 लाख रुपये 3% की दर पर ऋण दिया जाएगा। तो बस इतना ही याद रखेंगे, 2017-18 से तृतीय लिंग मतलब ट्रांसजेंडर्स के हितग्राहियों को भी इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए शामिल किया गया है। फिर अगला है सक्षम योजना। छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा वर्ष 2009-10 में सक्षम योजना को आरंभ किया गया। ये योजना क्या है, गरीबी रेखा अंतर्गत जीवन यापन करने वाले ऐसे महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है, अथवा 35 से 45 वर्ष की अविवाहित महिलाओं, अथवा कानूनी तौर पर तलाकशुदा, तो जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है या जिनकी जिनका विवाह नहीं हुआ है, ऐसे महिलाएं जिनका उम्र जो है 35 से 45 वर्ष है और कानूनी तौर पर जो तलाकशुदा हैं, स्वयं का व्यवसाय आरंभ करना चाहती हैं, तो इनको आरंभ करने हेतु आसान शर्तों पर ऋण प्रदाय किया जाता है सक्षम योजना के अंतर्गत।
योजना अंतर्गत विधवा, कानूनी तौर पर तलाकशुदा एवं अविवाहिता महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। उक्त महिलाएं उपलब्ध न होने पर 18 से 45 वर्ष की सभी जरूरतमंद महिलाओं को भी इस योजना का लाभ मिलता है जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम हो। तो प्राथमिकता किनको दिया जाएगा ये आपको पता चल गया। अगर वो प्राथमिकता वाले व्यक्ति ना मिले तो ज़रूरतमंद ऐसे परिवार जिनकी जो परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम हो तो उनको भी योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत 2 लाख तक का ऋण 3% की वार्षिक साधारण ब्याज पर मिलेगा, आसान किस्तों पे मिल जाएगा और यौन उत्पीड़न, HIV पॉजिटिव और तृतीय लिंग ट्रांसजेंडर हितग्राहियों को भी इस योजना का लाभ के लिए पात्रता है। फिर आपका अगला योजना है स्वावलंबन योजना। छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा वर्ष 2010-11 में स्वावलंबन योजना आरंभ किया गया है। स्वावलंबन योजना क्या है? गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जो महिलाएं हैं, ऐसी महिलाएं जिनकी पति की मृत्यु हो चुकी है, कानूनी तौर पर तलाकशुदा है या फिर 35 से 45 वर्ष तक की अविवाहिता महिलाएं, सेम इससे पहले कोई योजना के लिए जो पात्र थे वही लोग हैं ना, व्यावसायिक दक्षता प्रदान कर उनको स्वावलंबी बनाने हेतु इनको प्रशिक्षण जो है निःशुल्क प्रदान किया जाता है। मतलब जो कौशल विकास से संबंधित जो है प्रशिक्षण इनको निःशुल्क प्रदान किया जाता है ताकि ये आत्मनिर्भर बन सके और अपना काम शुरू कर सके। समस्त प्रशिक्षण मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत दिया जाता है। कौशल प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक जिले में 20 महिलाओं का चयन कर कौशल विकास योजना प्राधिकरण में पदस्थ सहायक संचालन के समन्वयन कर कलेक्टर के अनुमोदन से प्रशिक्षण प्रारंभ की जाते हैं। मतलब कलेक्टर जो है वो बताता है, उसके बाद जो है प्रारंभ किया जाता है। वर्ष 2017-18 से यौन उत्पीड़न, HIV पॉजिटिव एवं तृतीय लिंग के हितग्राहियों को भी इस योजना को लाभ लेने के लिए पात्रता दिया गया है। फिर आपका अगला है मिशन शक्ति सामर्थ्य में सखी निवास। अब ये सखी निवास क्या है? शहरों, कस्बों एवं ग्रामीण क्षेत्र में कामकाजी महिलाओं को हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इसको चालू किया गया। 1 अप्रैल 2022 से मिशन शक्ति की शुरुआत की गई और जिसके अंतर्गत कामकाजी महिला हॉस्टल को समाहित कर सखी निवास के रूप में संचालित किए जाने का प्रावधान किया गया है। मतलब इसमें सखी निवास में क्या है, जो शहरी या फिर ग्रामीण लोग होते हैं, जो कामकाजी महिलाएं होते हैं, जो बाहर जाकर अपना काम करते हैं, उनको हॉस्टल प्रदान करना और भारत शासन और राज्य शासन के बीच अंशदान। अंशदान मतलब कितना परसेंट जो वह होगा उसमें भारत सरकार देगा, कितना परसेंट केंद्र सरकार देगा, तो ये इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है। तो अभी तक आज जैसे जितना भी मैं वीडियो पढ़ाऊंगा जिसमें जितने भी योजना है उसमें ये 60 और 40 वाले दिखेगा। आगे मैंने सब कुछ देखा है, 60 और 40 रेशियो याद रखना, मतलब 60% भारत सरकार और 40% जो है वो आपका राज्य सरकार देगा। सखी निवास का मुख्य उद्देश्य जो है व्यावसायिक प्रतिबद्धताओं के कारण अपने परिवार से दूर रहने वाले कामकाजी महिलाएं होगी, जॉब ट्रेनिंग की महिलाएं होगी, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही व बालिकाएं वगैरह होंगे, इनको किफ़ायती आवास उपलब्ध कराना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। वर्तमान में प्रदेश में 4 जिलों क्रमशः रायपुर, बिलासपुर, धमतरी एवं रायगढ़ में 6 सखी निवास का संचालन किया जा रहा है। फिर अगला है आपका शक्ति सदन। शक्ति सदन देखते हैं क्या है। संकटग्रस्त महिलाओं, विधवा, निराश्रित, तिरस्कृत एवं परित्यक्ता को आश्रय व सहारा प्रदान करने के लिए निःशुल्क परिपालन व पुनर्वास करना, बच्चों तथा महिलाओं की मानव तस्करी और व्यावसायिक यौन शोषण से पीड़ित के बचाव, पुनर्वास एवं उन्हें समाज में पुनः जोड़ने के लिए ये सब कुछ संचालित है। इसके लिए उज्ज्वला गृह को समाहित करते हुए भारत शासन की अम्ब्रेला योजना मिशन शक्ति के अंतर्गत शक्ति सदन का योजना का संचालन किया गया। मतलब शक्ति सदन योजना क्या है, जितने भी विधवा, निराश्रित, तिरस्कृत या परित्यक्त महिला हैं या फिर जो बालिकाएं हैं, इनको जिनका शोषण वगैरह हुआ है, जो पीड़िता हैं, पुनः समाज में जोड़ने से संबंधित कार्य किया जाएगा। इनको आश्रय वगैरह दिया जाएगा और सब कुछ जो है निःशुल्क किया जाएगा। प्रदेश में वर्तमान में 4 शक्ति सदनों का संचालन कोरबा, कोरिया, बिलासपुर एवं सरगुजा जिले में स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से किया जा रहा है। महिलाओं को निःशुल्क आवास, भरण पोषण, शिक्षण, प्रशिक्षण और विधिक सहायता और पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है। तो आपको ये बस याद रखना है शक्ति सदन में क्या किया जाता है। महिलाओं को निःशुल्क आवास,
मतलब रहने की व्यवस्था, भरण पोषण, खाने पीने की व्यवस्था, शिक्षण, इनको आवश्यक शिक्षा दिया जाता है, प्रशिक्षण, कोई ट्रेनिंग वगैरह देना है तो वो, और विधिक सहायता, कानूनी सहायता और पुनर्वास इत्यादि की व्यवस्था किया जाता है। फिर अगला आपका नारी निकेतन। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 16 वर्ष से अधिक आयु की अनाथ कन्याओं, विधवा, निराश्रित, परित्यक्त, अविवाहिता माताओं, तिरस्कृत व बेसहारा समाज के प्रताड़ित महिलाओं को आश्रय व सहारा प्रदान करने तथा उनके निःशुल्क परिपालन व पुनर्वास तथा सामाजिक व शैक्षिक संरक्षण हेतु शासकीय नारी निकेतन का संचालन किया जा रहा है। तो ये भी आश्रय प्रदान करने के लिए ही है, और प्रदेश में 3 जिलों में क्रमशः रायपुर, सरगुजा और दंतेवाड़ा में ये संचालित है। इन महिलाओं को निःशुल्क आवास के साथ साथ भरण पोषण, शिक्षण, प्रशिक्षण, पुनर्वास इत्यादि की व्यवस्था नारी निकेतन के माध्यम से भी किया जाता है। फिर अब आगे बढ़ेंगे राज्य महिला आयोग। प्रदेश में महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं के हितों की देखभाल करना तथा उनके संरक्षण पर ध्यान देना, इन सब के लिए महिला आयोग का गठन किया गया है। महिलाओं पर होने वाले अत्याचार अपराधों पर त्वरित कार्रवाई करने और प्रदेश में राज्य महिला आयोग का गठन जो है इन सब उद्देश्य के लिए किया गया। कब? 24/3/2001 को। तो महिला आयोग का गठन कब किया गया, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया, ऐसा पूछा जाएगा। तो याद रखेंगे, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, 24/3/2001 ये याद रखेंगे, ठीक है, 24/3/2001। वर्तमान में आयोग में एक अध्यक्ष व 4 सदस्य कार्यरत हैं। माननीय डॉक्टर किरणमयी नायक जो है वो राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। अन्य जो सदस्य हैं उनका भी नाम है, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आयोग के कार्य देख लेते हैं। महिला के लिए संविधान तथा अन्य विधियों के अधीन उपबंधित संरक्षणों से संबंधित समस्त मामलों का परीक्षण करना। तो महिला के लिए जो भी नियम कानून बनेगा उसका परीक्षण ये लोग करेंगे। महिलाओं के संबंध में किए गए उपबंधों के उल्लंघन के मामलों की समुचित प्राधिकारियों तक लेके जाना। अगर महिलाओं से संबंधित कोई भी मामलों में उल्लंघन हुआ है तो प्राधिकारी जो उचित अधिकारीगण होंगे उन तक मामलों को लेके जाने का कार्य है। महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना बनाना और इन योजनाओं की प्रक्रियाओं में भाग लेना, ये सब कुछ जो है राज्य महिला आयोग का काम है। तो यहाँ पे पूरे जगह इम्पोर्टेंट क्या क्या है, इसका गठन कब हुआ, इसके जो अध्यक्ष है वर्तमान में कौन है, बस ये एक दो पॉइंट है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका राज्य समाज कल्याण बोर्ड। महिलाओं के कल्याण, विकास, सशक्तिकरण के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ साथ सहभागिता एवं समाज कल्याण गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ प्रदेश में राज्य समाज कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है, ठीक है। फिर अगला टॉपिक है आपका केंद्र या राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाला पुरस्कार। तो पुरस्कार भी पूछा जा सकता है कि किस तरीके से या फिर कौन से पुरस्कार में क्या क्या मिलता है। पहला है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल सुरक्षा पुरस्कार। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ये सुरक्षा नहीं, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार केंद्र सरकार द्वारा ये दिया जाता है। तो केंद्र सरकार के द्वारा नवोन्मेष, सामाजिक सेवा, शैक्षिक, खेल, कला एवं संस्कृति तथा बहादुरी के क्षेत्र में असाधारण और सराहनीय कार्य करने वाले लोगों को, ऐसे बालक जो 5 से 18 वर्ष आयु तक के बालक हैं, है ना, इनको जो है पुरस्कार दिया जाता है। तो ऐसे बच्चे जो 5 से 18 वर्ष आयु तक के हैं और जिन्होंने असाधारण और सराहनीय कार्य किए हैं, इनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपए का नगद और प्रशस्ति पत्र और अन्य उपहार वगैरह दिए जाते हैं। अगला है आपका राज्य वीरता पुरस्कार योजना। राज्य शासन के द्वारा किसी घटना विशेष में उनके द्वारा असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया जाता है, साहस या फिर बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया जाता है, तो ऐसे बच्चों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिया जाता है, ऐसे लोगों को। यह पुरस्कार वर्तमान में बाल कल्याण परिषद के माध्यम से प्रदाय किया जाता है। चयनित बच्चों को 15,000 रुपये की राशि एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और 26 जनवरी के उपलक्ष्य पर पुरस्कृत किया जाता है। फिर अगला है आपका शौर्य पुरस्कार से सम्मानित बालक बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति। अब जितने भी पुरस्कार मिले हैं उन सारे बालकों को छात्रवृत्ति के
भी व्यवस्था की गई है, ठीक है। राष्ट्रीय शौर्य पुरस्कार राज्य वीरता पुरस्कार से सम्मानित बालक बालिकाओं को अध्ययन में छात्रवृत्ति नियम लागू किए गए हैं। जैसे कि बालिका हो या फिर बालक हो, स्कूल शिक्षा कर रहे हैं तो इनको प्रति माह 500 रुपये, महाविद्यालय मतलब कॉलेज की शिक्षा के लिए 1000 रुपये प्रति माह, और तकनीकी शिक्षा जैसे इंजीनियरिंग का हो गया, मेडिकल फील्ड के शिक्षा हो गया, तो इसके लिए 1500 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति देने की बात की गई है। फिर अगला है आपका नारी शक्ति पुरस्कार। महिलाओं के सम्मान से संबंधित कोई विशेष योगदान किया है तो ऐसे लोगों को नारी शक्ति पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में 2 लाख रुपए नगद और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाते हैं। यह पुरस्कार अधिकतम 15 महिलाओं को दिए जाने का प्रावधान है। फिर अगला आपका मिनी माता सम्मान। महिलाओं विशेष रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग महिलाओं के उत्थान हेतु उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्य की एक महिला या फिर स्वैच्छिक संस्था को मिनी माता सम्मान महिला उत्थान प्रदान किया जाता है, ठीक है। और इसके लिए भी 2 लाख रुपए तक का राशि दिया जाता है और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। वर्ष 2022-23 का मिनी माता सम्मान मीरा शुक्ला जिला सरगुजा को प्रदान किया गया था। फिर अगला है आपका मिशन वात्सल्य। मिशन वात्सल्य योजना का प्राथमिक लक्ष्य है बच्चों के संरक्षण के लिए समर्पित और दक्ष कर्मियों, संरचनाओं और सेवाओं के लिए सुरक्षा तंत्र की स्थापना करना। तो मिशन वात्सल्य क्या है, बच्चों से संबंधित अच्छे जो इन्वायरमेंट है उसको तैयार करना। योजना का उद्देश्य बच्चों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है ना, बच्चों के लिए अच्छा इन्वायरमेंट तैयार करना मिशन वात्सल्य योजना का उद्देश्य है, ताकि मुश्किल परिस्थितियों में भी उनका विकास और कल्याण अच्छी तरीके से सुनिश्चित किया जा सके। इस योजना के जो लक्षित जो लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो कौन कौन होते हैं, देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे, ऐसे बच्चे जिनको लगता है कि इनके लिए विशेष देख रेख की आवश्यकता हो, कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे या फिर किशोर, सड़क पर रहने वाले बेघर या फिर परिवार रहित बच्चे, विपदाग्रस्त बच्चे, बाल यौन शोषण के शिकार बच्चे, अनाथ और घुमंतू, अपरिपक्व ये मतलब इमेच्योर और निराश्रित बच्चे, बाल श्रमिक, कठिन परिस्थिति में कार्य और कामकाजी बच्चे, नशा करने वाले बच्चे इत्यादि को स्पेशली ध्यान दिया जाता है मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत। योजना के संचालन हेतु राज्य एवं जिला स्तर पर निम्नानुसार संरचना है। तो पहला संरचना है आपका राज्य बाल संरक्षण समिति। यह समिति राज्य में बाल संरक्षण के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन और अनुश्रवण करता है। और इसी तरीके से एक समिति राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण। राज्य में दत्तक मतलब जो गोद लेने वाला जो काम है वो सब है ना, राज्य में दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया के समुचित क्रियान्वयन हेतु मतलब जो गोद लेने की प्रक्रिया है उसके सही तरीके से कार्य करने के लिए राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण स्थापित किया गया है। फिर अगला आपका जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति। राज्य के प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में मिशन वात्सल्य के क्रियान्वयन एवं अनुसरण के लिए इसको बनाया गया है। ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक बार इसको हम पढ़ लेते हैं। विधि से संघर्षरत बच्चों तथा देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए संस्थागत देखरेख कार्यक्रम। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के लिए राज्य में शासकीय एवं अशासकीय बाल गृह, खुला आश्रय गृह, विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिसरण संचालित है। तो ये सब चीज़ क्या है, बाल गृह, खुला आश्रय गृह, उसका भी डिटेलिंग हम पढ़ेंगे। विधि विरुद्ध कार्य करने वाले बालकों के लिए मतलब कानून के उल्लंघन करने वाले, कानून के विरुद्ध काम करने वाले बालक के लिए शासकीय बाल संप्रेषण गृह, शासकीय विशेष गृह एवं शासकीय प्लेस ऑफ सेफ्टी, ये सब संचालित है। अब इसको हम एक एक करके समझेंगे। पहला है आपका बाल संप्रेषण गृह। विधि का उल्लंघन करने वाले अभी कथित बालिकों को बालकों के प्रकरण, ऐसे जिनका प्रकरण विचाराधीन रहने की अवधि में हो, है ना, तो बाल संप्रेषण गृह में उनको रखा जाता है जिन्होंने कानून के विरुद्ध उल्लंघन किया गया हो, लेकिन उनका मामला वो विचाराधीन हो, मतलब वो दोषी साबित नहीं हुए हैं अभी, उन्होंने सिर्फ विधि का उल्लंघन किया है। ऐसे विधि उल्लंघन करने वाले बाल संप्रेषण गृह में रखे जाते हैं बच्चों को। फिर अगला है विशेष गृह। विधि का उल्लंघन करने वाले ऐसे बालकों को जिनके बारे में यह पाया गया है कि उन्होंने अपराध किया है, तो अपराध किया है ऐसा सिद्ध हो जाता है, तब तो उनको विशेष गृह में रखा जाता है। फिर अगला आपका सुरक्षित स्थान मतलब प्लेस ऑफ सेफ्टी। जघन्य अपराध से अभियुक्त
16 से 18 वर्ष आयु तक के बालकों या 18 से 21 वर्ष तक के ऐसे व्यक्तियों जिन्होंने 18 वर्ष आयु के उपरांत कोई अपराध कारित किया हो। ठीक है, 16 से 18 वर्ष आयु के ऐसे बच्चे जो जघन्य अपराध किया हो, या फिर 18 वर्ष से अधिक बच्चा हो गया हो और उन्होंने कोई अपराध कारित किया हो लेकिन जिनकी उम्र 21 से कम हो, तो ऐसे लोगों को अपराध करने पर या फिर प्रकरणों के विचाराधीन होने पर की भी सुरक्षित स्थान मतलब प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा जाता है। फिर अगला है देख रेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले संस्था, जैसे कि खुला आश्रय गृह। खुला मतलब ओपन, तो ये अस्थायी है। ठीक है, खुला आश्रय गृह आवासीय सहायता के लिए जरूरतमंद बालकों को आप अल्पकालिक आधार पर आश्रय प्रदान करता है, मतलब कम समय के लिए इंस्टेंट यहाँ पे आपको आश्रय मिल जाएगा, इस टाइप का है ये। ठीक है, फिर अगला है आपका बाल गृह। देख रेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले ऐसे बच्चे जिन्हें दीर्घ अवधि के लिए आश्रय देख रेख एवं संरक्षण की आवश्यकता होती है, तो कम समय के लिए खुला आश्रय गृह में और दीर्घ समय के लिए बाल गृह में रखा जाएगा। राज्य में 6 शासकीय एवं 37 अशासकीय बाल गृह संचालित हैं। फिर अगला आपका विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण। अनाथ परित्यक्त बच्चे जिन्हें दत्तक पर दिया जाना होता है, उन बच्चों के लिए दत्तक ग्रहण की कार्यवाही विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण द्वारा की जाती है। मतलब ऐसे बच्चे जिनको जो अनाथ है और जिनको गोद में दिए जाने का काम किया जाना है, तो उनको इन जगह रखा जाता है। एक इकाई की जो क्षमता होती है वो 10 बच्चों की होती है। फिर कुछ गैर संस्थागत देख रेख कार्यक्रम हम पढ़ेंगे। तो पहला आपका प्रवर्तकर्ता कार्यक्रम, स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम। तो किशोर न्याय अधिनियम 2015 के प्रावधान अनुसार देख रेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों को चिकित्सीय, शैक्षणिक और विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु 4,000 रुपये प्रति माह के मान से वित्तीय सहायता दिया जाता है। स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम क्या है? जिनको ज़रूरतमंद बच्चे ऐसे बच्चे हैं जिनको देख रेख एवं संरक्षण की ज़रूरत है, उनको 4,000 रुपये प्रति माह दिया जाता है। फिर अगला है पोषण देख रेख कार्यक्रम। पारिवारिक देख रेख से वंचित बच्चों को किसी गैर नातेदार परिवार मतलब उनके संबंधी ना हो उसके देख रेख में रखा जा सकता है, ताकि बच्चे की सुरक्षा एवं संरक्षण जो है सुनिश्चित की जा सके। मतलब नातेदार परिवार में ही रखा जाएगा, मैं शायद उल्टा बोल देता है ना, किसी नहीं, सही बोला था, गैर नातेदार लिखा, गैर नातेदार परिवार। योजना के अंतर्गत बच्चों की देखभाल के लिए उपयुक्त व्यक्ति संस्था को 4,000 रुपये की प्रतिमाह सहायता राशि दिया जाएगा। तो इन दोनों में सेम है। ठीक है, स्पॉन्सरशिप के अंतर्गत भी जो है बच्चों के देख रेख के लिए 4,000 रुपये मिलेगा और पोषण देख रेख कार्यक्रम में भी 4,000 रुपये मिलेगा। फिर अगला है आफ्टर केयर कार्यक्रम। आफ्टर मतलब क्या होता है? बाद। तो इसको हम समझते हैं, यह कार्यक्रम उन बच्चों के लिए है जो संस्था का देख रेख में है एवं 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, और पूरी कर लेने के पश्चात सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से स्वयं की देखभाल करने में असमर्थ हैं। देखिए, ये होता क्या है, 18 वर्ष की आयु के बाद इनको समाज में छोड़ दिया जाता है, लेकिन ऐसे लोग जो 18 वर्ष के हैं लेकिन फिर भी वो सक्षम नहीं है खुद को पालने के लिए, तो आफ्टर केयर कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उन गतिविधियों की व्यवस्था की जाती है जिससे वह स्वयं को सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से सशक्त कर समाज के मुख्य धारा से जुड़ सकें। ऐसे बच्चे की देखभाल के लिए 4,000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता अधिकतम 3 वर्ष मतलब 21 वर्ष तक के होने के लिए दिया जाता है। फिर अगला है राज्य में संचालित बाल देखरेख संस्थाओं का अनिवार्य पंजीयन। तो किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार जितने भी संस्था होगा उसका पंजीयन करना अनिवार्य है। ठीक है, जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर बाल देखरेख संस्था को पंजीकृत प्रावधिक पंजीकरण की कार्यवाही की जाती है। फिर अगला है आपका बाल कल्याण समिति। बाल कल्याण समिति देख रेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के संबंध में निर्णय देने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। समिति में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। बालक कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्य स्तरीय चयन समिति, जो कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित की है, उसके सिफारिश पर की जाती है। फिर अगला है आपका किशोर न्याय बोर्ड।
विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में निर्णय देने के लिए सक्षम प्राधिकारी किशोर न्याय बोर्ड है, ठीक है। विधि का उल्लंघन करने के लिए जो न्याय देंगे, विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों से संबंधित जो निर्णय देंगे उसके सक्षम प्राधिकारी को किशोर न्याय बोर्ड ही हम कहेंगे। बोर्ड में एक प्रधान मजिस्ट्रेट और दो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। बोर्ड के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, जबकि सामाजिक कार्यकर्ता की नियुक्ति राज्य स्तरीय चयन समिति जो कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित की गई है, इसकी सिफारिश पर की जाती है। फिर अगला है विशेष किशोर पुलिस इकाई। किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 107 के प्रावधान के अनुसार पुलिस प्रशासन द्वारा 28 जिले एवं एक GRP में विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन किया गया है। इकाई के अंतर्गत उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के रूप में नामित हैं। यह इकाई देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों एवं विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के मामलों को सक्षम प्राधिकारी तक पहुंचाता है। तो जो भी मामले होता है उसको सक्षम प्राधिकारी तक पहुंचाने का काम जो है वो ये अधिकारी करेगा, विशेष किशोर पुलिस इकाई ही है, ठीक है। फिर अगला है आपका हेल्पलाइन नंबर हो रहा है, तो पहला है चाइल्ड लाइन 1098। चाइल्ड लाइन सुरक्षा एवं देखरेख के ज़रूरतमंद बच्चों के लिए 24 घंटे आकस्मिक फ़ोन सेवा है जो उन्हें आपातकालीन सेवा के लिए दिया गया है। इस सेवा का प्रयोग कोई भी संकटग्रस्त बच्चा या फिर उसकी ओर से कोई अन्य कर सकता है। टोल फ्री नंबर है 1098। ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098, ये आपको याद रखना है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। फिर अगला है विकास खंड एवं पंचायत एवं नगरी स्तर पर बाल संरक्षण समिति। तो विकासखंड एवं पंचायत स्तर पर बाल संरक्षण समितियों के गठन का एक प्रावधान है। फिर अगला है बाल विवाह रोकथाम। बाल विवाह की रोकथाम के लिए निरंतर कार्यवाही की जाती है, लेकिन रामनवमी से अक्षय तृतीया के बीच विशेष अभियान चलाया जाता है। बाल विवाह की रोकथाम के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं बाल विकास अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग को विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। फिर अगला है आपका पीएम केयर्स योजना। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रंस योजना का उद्देश्य वैश्विक कोविड आपदा से अनाथ हुए बच्चों के कल्याण हेतु स्वास्थ्य बीमा शिक्षा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। पीएम केयर्स योजना में क्या है, ऐसे बच्चे जो कोरोना काल में अनाथ हो गए, जिनके मम्मी पापा का डेथ हो गया, ऐसे बच्चे हैं ना, इनको वित्तीय सहायता दिया जाता है। 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 10 लाख रुपए तक की एकमुश्त रकम इनको उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है, जो कि 23 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर उन्हें प्राप्त होगी। अब कुछ विशेष पहल हम देखेंगे, जैसे उम्मीद, उजियार, ये सब चीज़ क्या क्या है। उम्मीद क्या है, बच्चों के शैक्षणिक विकास को सकारात्मक और सुविधाजनक बनाने के लिए बाल देखरेख संस्थाओं में ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। जितने भी बाल देखरेख संस्थाएं हैं, जितने भी विशेष गृह हमने पढ़े, उस पर ऑनलाइन कार्यक्रम संचालित किया जाएगा और इसके लिए बायजूस के साथ MOU साइन किया गया है। बायजूस आपको पता होगा, जो ऑनलाइन स्टडी जिस पे हम करते हैं, बायजूस। फिर अगला है उसके बाद उजियार। बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत बालिकों के ऊर्जा को सकारात्मक दिशा देने के लिए संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों एवं बालकों के बीच जो संबंध है उसको अच्छा करने के लिए उजियार कार्यक्रम संचालित है, ठीक है। जैसे कि क्या होता है, कोई भी बाल देखरेख संस्था है, उसमें आपने देखा भी होगा कि उनके जो अधिकारीगण हैं वो बालकों से सही से बात नहीं करते, सही से ट्रीट नहीं करते, तो ये सब ना हो इसलिए उजियार कार्यक्रम लाया गया है, ताकि बालक और कर्मचारियों के मध्य सही संबंध स्थापित किया जाए, ठीक है। तो बाल संप्रेषण गृह, विशेष गृह, प्लेस ऑफ सेफ्टी, ये सब जगह उजियार कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। फिर एक कार्यक्रम है उमंग। यूनिसेफ रायपुर छत्तीसगढ़ के सहयोग से राज्य में संचालित पोषण देखरेख कार्यक्रम के सुदृढ़ीकरण हेतु राज्य के 10 जिलों में उमंग कार्यक्रम संचालित है। तो ये उमंग कार्यक्रम उतना ही इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बस इसमें आप ये याद रखेंगे कि पोषण कार्यक्रम के देखरेख के लिए इसको 10 जिलों में संचालित किया गया है। फिर उसके बाद अगला बाल सक्षम नीति। राज्य शासन द्वारा देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए ये लाया गया है।
जैसे कि बिना किसी के सहयोग से रहने वाले बच्चे, सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बच्चे, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चे, इनके देखरेख संरक्षण पुनर्वास हेतु ये नीति 2022 लागू है। इस नीति को बाल सक्षम के नाम से जाना जाता है। फिर अगला है छत्तीसगढ़ बाल कोष। छत्तीसगढ़ बाल कोष राज्य सरकार द्वारा सृजित ऐसी निधि है जिसे किशोर न्याय अधिनियम 2015 के प्रावधान के अनुसार देखरेख और संरक्षण आवश्यकता वाले बालकों और विधि के विलंघन उल्लंघन करने वाले बालकों के सर्वोत्तम हित हेतु निर्धारित देखभाल और सेवाओं के गुणवत्ता मानकों के संधारण के हेतु अनुदान निधि धन की उपलब्धता हेतु सुनिश्चित करना। ठीक है, इसका इन शॉर्ट ये कहूँ तो छत्तीसगढ़ बाल कोष निधि के अंतर्गत देखरेख और आवश्यकता वाले जितने भी बच्चे होते हैं उनसे संबंधित जो कार्य अगर किया जाना है तो छत्तीसगढ़ बाल कोष के अंदर ही फंड मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। छत्तीसगढ़ बालकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 36 की उपधारा 1-2 के अंतर्गत 16 जून 2010 को, अब ये डेट याद रख लेंगे, 16 जून 2010 को छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया। वर्तमान में आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य हैं। माननीय श्रीमती तेज कुंवर नेताम राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष हैं। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के क्या क्या कार्य हैं? बाल अधिकारों के लिए बनाए गए नियमों, नीतियों, उपायों, कार्यक्रमों का निरीक्षण करना, अनुशंसा करना, बाल अधिकारों के उल्लंघन अगर होता है तो उसकी जांच करना और कार्यवाही सुनिश्चित करना, संकटग्रस्त वंचित और बिना परिवार के रहने वाले बच्चे, कैदियों और बच्चों से संबंधित मामलों पर विचार करना, इनको सुरक्षा प्रदान करना, संस्थाओं का निरीक्षण करना, जितने भी बच्चों से संबंधित संस्थाएं उनका निरीक्षण करना, समाज के विभिन्न वर्गों में बाल अधिकारों की जानकारी को प्रसारित करना, बच्चों से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण करना और बच्चों के स्कूल पाठ्यक्रम, शिक्षण प्रशिक्षण, बाल अधिकारों को बढ़ावा देना। भारत के 60वें गणतंत्र दिवस में तय किया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए अधिनियम बनाया जाए, है ना। तो ये अधिनियम बनाया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा दिया जाना है। अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं शिकायत के निराकरण का दायित्व तो जो है ये छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण के आयोग को सौंपा गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आप ध्यान रखेंगे और इनमें हम और आगे जैसे देखें तो कुछ खास है नहीं, जितना भी पीडीएफ में मैंने आपको पढ़ाया इतना ही आपको पढ़ना है। और अगर आपको महिला परीक्षा की कंप्लीट पैकेज चाहिए तो मैंने आपको बता दिया, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन मिलेगा। और एक बार रिपीट कर दूं कि अभी जो डिस्काउंट चलेगा वो लिमिटेड टाइम के लिए है, तो अगर आपको कोर्स चाहिए तो जल्द से जल्द आप इसको ले लीजिएगा। डेटा के लिए एकदम निश्चिंत रहिए, जितना भी डेटा मिलेगा आपको अपडेटेड ही मिलेगा। इन केस अगर कोई डेटा एग्ज़ाम के पहले भी चेंज हो जाएगा तो वो हम नया बनाकर आपको दे देंगे, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास में हम अपने एप्लीकेशन में कभी भी कोई से भी चेंजेस कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।